नवरात्र में लौंग और कपूर का खास महत्व होता है, इससे जुड़े महाअष्टमी के दिन क्या उपाय करना चाहिए ताकि भक्त की सभी प्रकार के संकट समाप्त हो जाए और मनोकामनाएं माता दुर्गा की कृपा से पूर्ण हो जाए। हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। शारदीय नवरात्र में माता की विशेष पूजा होती है। माता की प्रत्येक दिन प्रथम दिन से आरंभ होकर के नवमी पर्यंत नव दुर्गा की पूजा होती है, तो विशेष आठवां दिन जो होता है सिद्धिदात्री और महागौरी, इसकी पूजा विशेष रूप से की जाती है अष्टमी और नवमी का। तो अष्टमी की पूजा जो होती है, महागौरी की पूजा होती है, उस दिन अष्टमी के दिन जो उपवास रहता है उस दिन विशेष कुछ करने से घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है, घर में शांति का माहौल रहता है। तो करना क्या है, कपूर और लौंग ये दो आपको ज़्यादा मात्रा में घर में रखना है। 108 लौंग का माला बनाएं, लाल गुलाब के साथ, लाल गुलाब को लें और 108 लौंग उसमें माला बना करके महागौरी को पहनाएं और षोडशोपचार से पूजन करें। चांदी के कटोरी में लौंग रख करके नीचे कपूर ऊपर लौंग दे करके उसको जलाएं और माँ का पहले आरती करें। माँ का आरती करने के बाद अपने पूरे घर में वह आरती को दिखाएं। आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कपूर और लौंग माता से विशेष संबंध रखने वाला सामान है। आपके घर में यदि विशेष टोना टोटका होता हो, आपके घर में हर समय बच्चे बीमार रहते हैं, बच्चे रोते रहते हैं, घर में कलह होता है, तो यह मेरा 100% गारंटी है कि यदि आप कपूर और लौंग चांदी के बर्तन में पूरे घर में जला करके उसको घुमाएं तो आपके घर के नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो करके माता की कृपा से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा जगेगी और आपके घर में जो टोना टोटका होता है वह समाप्त हो जाएगा।